आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज, अब तक आपकी आवाज में आपका स्वागत है। नमस्कार, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ओर से मैं नेहा मिश्रा, भंडारा से शमशेर खान की खास खबर पर एक नजर। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर अंतर्गत आने वाले तहसील भिवापुर के थुटानबोरी गांव के लोग भगवान भरोसे अंधेरे में बिना किसी सुविधा के जीवन गुजारने पर लाचार है। पूरा गांव समस्याओं से ग्रस्त है। थुटानबोरी गांव गोसे बांध के कारण बाढ़ से बाधित है, जिसके कारण गांव के लोगों को पुनर्वसन कर गाँव छोड़ने का नोटिस दिया गया, मगर दी गई जगह थुटानबोरी से 40 किलोमीटर दूर मिली है, इसलिए गाँव वाले अपनी खेती जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। जो पुनर्वसन झालेला आहे 35 किलोमीटर, तिथून आम्ही शेती करण्याकरता येऊ शकत नाही, कारण की तिथून येणं आम्हाला परवडत नाही। त्याच्यामुळे सरकारला उरलेल्या जमिनीचे पैसे 2013 जो आहे नवीन जिया त्याच्यानुसार आम्हाला मोबदला देण्यात यावा, अन्यथा किंवा आम्ही इथं जे एवढे नागरिक राहत आहो त्याच्यामुळे आम्हाला इथं लाईट देण्यात यावा, आमची पाण्याची दवाखान्याची, जसं आमचे मुलं बाळं आहेत, जसं अंगणवाडी शाळा यांची सोय करून देण्यात यावी, अन्यथा आम्ही इथंच राहणार आहोत जोपर्यंत आमच्या जमिनीचे पैसे देणार नाही। आणि आम्हाला जसं आम्ही पुनर्वसनावर जाऊ तो तिथं आम्हाला रोजगार नाही, आम्ही तिथं का करणार आहे? एक तर शेवटी चोऱ्या करावं लागणार आहे, घरफोडी करावं लागणार आहे, जे आहे तरुण मुलं आहेत त्यांना काय करावं इथं, ही सर्वात मोठी समस्या आहे। पैसे नाही दिला, पैसे दिला असतात बिंदो। कशाचे पैसे पाहिजे? खेतीचे, पुनर्वसनासाठी। म्हणजे हे जे गोसे जंगलात खेती आहे का? नाही, इकडे भेटली, इकडे नाही, जंगलात खेती आहे, जंगलात खेती आहे, त्याचे पैसे नाही मिळाले, नाही अजूनही नाही दिला। नाव सांगा आपलं आणि काय काय समस्यांना आपल्याला पुढे जावं लागत आहे ते सांगा। मंगला बंडूजी सारखं आम्हाला पलट नाही भेटला, आम्हाला पैसा नाही भेटला, आमचे पोरं आता लग्न येव झाले, आम्ही आता का करावा त्याची पुढं घरादाराची आम्हाला सोय त्यायची, आमचे पोरं असे बार बार फिरत आहेत ना, आम्ही ह्या मुंगशेत आता अशा परिस्थिती आहेत आमच्या। बी एस क्राईम इंडिया न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। हम आज एक ऐसे गाँव में आए हैं जहाँ 2 साल से लाइन की परेशानी को लेकर काफ़ी मुद्दे हमें नज़र आए हैं। सबसे पहले इस गाँव वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, हम इतना गाँव घूमने के बाद हमें इतना आदर और इतना सम्मान जो मिला है, सबसे पहले हमें गांव वालों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमने देखा है कि यहाँ जो समस्याओं का उनको परेशानी हो रही है, काफ़ी समस्या ऐसी है कि जिसे हम आपको दिखाए पर हम बता नहीं सकते कि ये कौन सी समस्याओं से जूझ रहे हैं। और यहाँ पर सरपंच जी है, उनसे हम बात करेंगे और बताएंगे कि उन्होंने जो यहाँ पर एप्लीकेशन देखे, यहाँ के जो नगर सेवक है या जो भी आमदार खासदार जो भी लोग होते हैं उन्हें तक एक मैसेज पहुँचाया और काफ़ी तरह से मोर्चा लेके गाँव वालों के विकास के लिए, गांव में लाइन लाने के लिए या इनको मुआवजा मिले, इसलिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन उनको अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला, जिसके कारण आज भी इन लोग अंधेरी में अपना बसर गुजारा कर रहे हैं। हमें ये बोल के बहुत दुख महसूस हो रहा है कि आज डिजिटल ज़माना है और डिजिटल ज़माने में आज हमारा एक नागपुर शहर के एक छोटे से गांव में जब 2 सालों से एक लाइट के लिए लोग तरस रहे हैं और इनके जो मुआवजा वो नहीं मिला है, आखिर क्यों निधि शासन ने, आज ये बहुत बड़ा एक मुद्दा खड़े होता है। चलो आज देखते हैं, हम पूछते हैं उनसे कि इन्होंने क्या क्या प्रयास किया है इस गाँव के लिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम गौरव सीताराम गुरुकुल है, मैं यहाँ इस गांव का सरपंच उप सरपंच हूँ और ये सरपंच नाते से मैं 2008 से प्रयास कर रहा हूँ कि इस गांव में ये मुद्दे है, तुकुम बोरी पुनर्वसन से वंचित नहीं हुई, हमारे गांव की 60-70 एकड़ खेती भी बूढ़ित नहीं है, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ और 2015-16 से बिजली कटी है, तो बिजली से वजह से हमारे गांव की आंगनवाड़ी भी बंद है, उस आंगनवाड़ी से वजह से और बिजली से वजह से कई बार तहसील लेवल में ये छोटे लड़के के लेकर भी मैं
आप ये बच्चों को देख सकते हैं, ये बच्चे किस तरह से लाइन नहीं है इस गांव में, तो किस तरह से रहते होंगे, सोते होंगे। नागपुर जिले के एक छोटे से गांव की ये दिखा रहे हैं, तो हमारे नागपुर शहर के लिए भी एक शर्म की बात है। जो हम मेट्रो सिटी बन रही है, गवर्नमेंट करोड़ों का खर्चा कर रही है, और वहीं एक छोटे से गाँव में देखे आज की लाइन के लिए लोग किस तरह से परेशान हैं। और काफ़ी परेशानी भी हमने यहाँ देखी है कि लोगों को पैसा मुआवजा नहीं मिलने के लिए कई लोग आते हैं, धमकाते हैं कि आप लोग गांव से चले जाए, आप लोगों को हम ये देंगे वो देंगे, इस तरह से काफ़ी परेशानी देते हैं। फिर भी गांव के लोग एकजुट होकर आज हमारे साथ में सब खड़े हुए हैं। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि पूरे गाँव वाले आज हमारे साथ में खड़े हैं। उनका एक ही कहना है कि हमारी समस्याओं का जल्द से जल्द तुम कोई भी तरीके से शासन की तरह के मैसेज पहुँचे, और शासन इस गांव के जो परेशानी है वो परेशानी को हल करे। खबर आप तक पहुंचाने के लिए आप जो शेयर और लाइक करते हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। देखते रहिए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़। नमस्कार।